गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का लास्ट मंथ मार्च 2019 स्टार्ट हो चुका है और इस मार्च 19 के जो ड्यू डेट कंप्लायंसेज हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली GST, इनकम टैक्स और सारे जो लॉज हैं उसके अंदर कौन कौन से डेट्स ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा वीडियो के एंड तक ताकि अगर आपने भी रिटर्न वगैरह फाइल करना है या कुछ टैक्सेस की पेमेंट करनी है तो उसका ड्यू डेट जो मार्च महीने का जो शेड्यूल है हम लोगों को टैक्स पेमेंट करने का, रिटर्न फाइल करने का, सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी अपडेट ड्यू डेट कंप्लायंसेज इन मार्च 2019। बेसिकली मैंने लिख दिया है इस पे जीएसटी कंप्लायंसेज इन जीएसटी फॉर मार्च 2019, लेकिन मैं आपको इसमें इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स भी बताने वाला हूँ। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। सबसे पहला डेट निकल के आता है 7th मार्च 2019 का। ये डेट है अपना पेमेंट ऑफ TDS डिडक्टेड और TCS कलेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2019। अगर आपने कोई भी TDS काटा है इनकम टैक्स के अंदर, मैं ये GST की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं इनकम टैक्स की, अगर आपने कोई भी TDS डिडक्ट किया है फरवरी महीने में इनकम टैक्स के अंदर, चाहे वो 94C के अंदर हो, चाहे वो 94B के अंदर हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में आपने अगर TDS डिडक्ट किया है या फिर आपने TCS कलेक्ट किया है किसी भी सेक्शन के अंदर, तो वो आपको जमा करना होता है 7 मार्च 2019 तक। हर महीने की अगली 7 तारीख को आपको TDS गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाना होता है थ्रू चलान 81 चलान होता है, उसके थ्रू आप ये जमा करवाते हैं। उसके बाद आता है 10th मार्च 2019। 10th मार्च 2019 जो है वो है मंथली GSTR1 फॉर डीलर्स having turnover more than 1.5 crores and those who have selected monthly filing of GSTR1। ये 10th March चूंकि पुराना है, अभी ये एक दिन का extension मिला हुआ है, ये basically होना चाहिए था 11th March 2019। तो ये 10 March नहीं हो करके ये हो जाएगा 11th March 2019। इस दिन तक 11th March 2019 तक आपको अपनी GSTR1 की जो रिटर्न होती है वो आपको इनवॉइस वाइज इनवॉइस डिटेल्स के साथ साथ पूरी डिटेल्स आपको अपलोड करनी होती है। जो भी आपने फरवरी महीने में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा वो सारा डिटेल्स आपको 11 मार्च तक अपलोड करना होता है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहता है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप मैंडेटरी फाइलिंग करेंगे मंथली फाइलिंग और फरवरी 2019 की जो रिटर्न है वो फाइल करेंगे 11 मार्च तक। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है लेकिन आपने ऑप्ट किया हुआ है कि हम लोग मंथली फाइलिंग में जाना चाहते हैं, तो मंथली फाइलिंग में जाने के लिए आपको फिर से यही फाइलिंग करनी होगी 11 मार्च 2019 तक। तो ये हो गया मंथली GSTR1 फॉर डीलर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ एंड दोज हु हैव सिलेक्टेड मंथली फाइलिंग ऑफ GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। अगली डेट निकल के आती है 15 मार्च 2019 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा अहमियत रखती है। ये है बेसिकली ड्यू डेट टू पे 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। जैसा कि आप सभी को पता है इनकम टैक्स के अंदर एडवांसेस जमा करना होता है 4 क्वार्टर के अंदर, जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में। तो मार्च का जो है लास्ट क्वार्टर होता है, इसके अंदर 15 मार्च तक आपको अपना एडवांस कैलकुलेट करके, इनकम एस्टिमेट करके अपना एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, जिसकी 4th और लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक जाती है। और ये जो एडवांस टैक्स आप जमा करवाते हैं, ये जब आप अपने नेक्स्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो ये वाला एडवांस जो आपकी सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी बनेगी उसके साथ ये एडजस्ट की जाती है। अगर आप अभी ये 4th इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करेंगे तो जितना डिफरेंस रह जाता है उस पे इंटरेस्ट आपको इंपोज किया जाता है। उसके बाद डेट निकल के आता है 17 मार्च 2019। इसमें हम लोगों को बेसिकली है ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ TDS सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 94IA और 94IB इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है। एक्चुअली अगर जनवरी 2019 में आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करा है जिसमें कि आपको TDS काट के जमा करने की लायबिलिटी होती है बेसिकली 26QB के अंदर,
तो उसका जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है उसको आपको इशू करने का, जनवरी 19 का इशू करने का डेट 17 मार्च 2019 है। बेसिकली होता क्या है, इस सेक्शन के अंदर जिस महीने आपको टीडीएस डिडक्ट करना है जमा उसके अगले महीने करना होता है, और टीडीएस सर्टिफिकेट जमा करने के महीने के अगले महीने देना होता है। तो जनवरी महीने का आपने डिपॉजिट किया होगा फेब्रुवरी 19 में, टीडीएस सर्टिफिकेट आपको इशू करना है 17 मार्च 2019 तक, 94IA एंड 194IB सेक्शन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका ट्रांजेक्शन है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर है तो आपने टीडीएस जो काटा होगा वो आपने फरवरी में जमा कराया होगा। टीडीएस सर्टिफिकेट डिडक्टी को देना आपके लिए मैंडेटरी है जनवरी 19 का 17 मार्च 2019 तक। उसके बाद डेट निकल के आता है 20 मार्च 2019। इस डेट तक हम लोगों को अपनी फरवरी 2019 की GSTR 3B, जो मंथली GSTR 3B हम लोग फाइल करते हैं, उसका डेटा हम लोगों को परचेज हो गया, सेल हो गया, इनपुट आउटपुट सारा कुछ कैलकुलेट करके, क्या अपनी सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी बन रही है उन सारे लायबिलिटी को कैलकुलेट करके वगैरह जो भी डिटेल्स हैं वो सारा रिटर्न हम लोगों को GSTR 3B के अंदर डालना होता है। फरवरी 19 का लास्ट डेट है 20 मार्च 2019, और ये हर एक डीलर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रख रहा हो या वो 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर रख रहा हो, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अगला डेट निकल के आता है 30 मार्च 2019। तो 30 मार्च 2019 तक क्या करना है आपको, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA और 194IB इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 2019। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जनवरी महीने का जो आपने चालान जमा किया होगा वो जमा किया होगा फेब्रुआरी के महीने में, इसी की मैं बात कर रहा था। अब चूंकि फरवरी महीने में अगर किसी ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करी है और उसमें अगर वैल्यू उसकी 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको उस प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस काटना होता है। तो टीडीएस काट के जमा करने के लिए अंडर सेक्शन 194IA IB 26QB भरना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चालान कम स्टेटमेंट। तो अगर मार्च में, अगर आपने फरवरी महीने में, फरवरी 2019 में कोई ट्रांजेक्शन करी है तो उसका जो लास्ट डेट है टैक्स जमा करने का, सर्टिफिकेट इशू करने का नहीं, सर्टिफिकेट इशू करने का डेट होगा अप्रैल के अंदर, टैक्स जमा करने का जो लास्ट डेट है वो है 30 मार्च 2019। तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो अगर अप्रैल में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा तो वो आपको निकालने में परेशानी आ सकती है। जैसे जनवरी का मार्च में टीडीएस सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, फेब्रुआरी में टैक्स जमा हुआ था, उसी प्रकार से फेब्रुआरी 19 का टैक्स जमा होगा मार्च में, सर्टिफिकेट निकलेगा अप्रैल में। उसके बाद नेक्स्ट डेट निकल के आती है 31 मार्च 2019। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है और काफी सारे काम हमें इस लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में करने होते हैं। सबसे पहला काम जो है इसके अंदर, लास्ट डेट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ बिस्ट इनवॉइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-2018। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 का कोई भी आपका परचेज इनवॉइस है जिसका क्रेडिट आपने 17-18 में भी नहीं लिया या फिर अप्रैल 18 से लेकर सितंबर 18 के रिटर्न में भी क्लेम नहीं किया है, तो उसको क्लेम करने का जो डेट है वो है 31 मार्च 2019। उस डेट तक आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। जब आप मार्च 19 की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को शो कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, लास्ट डेट टू अमेंड इनवॉइसेस ऑफ GSTR 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में GSTR 1 फाइल करा था, उसके अंदर अगर आपका कोई भी इनवॉइस मिस्टेकिंगली जीएसटी नंबर गलत हो गया या कुछ भी गलती अगर आपसे हो गई है 17-18 के GSTR 1 में, और उसको आपने अमेंड भी नहीं कर किया है अभी तक, अप्रैल 18 से लेके फरवरी 19 तक, बेसिकली ये ड्यू डेट था पहले अप्रैल 18 से सितंबर 18, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2019 तक। तो अगर आपकी GSTR 1 में अभी भी कोई भी गलती है फाइनेंशियल ईयर 17-18 की GSTR 1 में, तो उसको आप 31 मार्च 2019 की रिटर्न जब आप फाइल करने लगेंगे उस डेट तक आप उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं बिना किसी इशू के। कैसे करना है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड करी भी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एंड में हमारे एंड स्क्रीन को भी रेफर कर सकते हैं। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट टू लिंक पैन नंबर विथ आधार नंबर। जैसा कि आप सभी को पता है 31 मार्च 2019 जो है वो है लास्ट डेट आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर लिंक करने का। अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है तो उसे आज के आज करवा ले, 31 मार्च लास्ट डेट है,
अगर वो नहीं करवाएंगे आप, तो आप अपनी रिटर्न जो है नेक्स्ट 1 अप्रैल 2019 से फाइल नहीं कर पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप समझना है कि आधार नंबर आप कैसे लिंक करवाएंगे, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में दिया गया है। एक चीज जो मैंने यहाँ पर मिस कर दी है, जो मेरे को अभी ध्यान में आया, 31 मार्च 2019 तक अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2019 तक आप भी कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू फॉर्म GST CMP 02। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाने के लिए, तो 31 मार्च 2019 तक आप GST CMP 02 ऑनलाइन जरूर से फाइल करें, नहीं तो आप फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल के अंदर कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्पोजिशन को चूज करने का ऑप्शन जो होता है वो होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मिड ईयर के अंदर आप ऑप्ट इन नहीं कर सकते। और एक चीज जो मिस हो गया है, फ़रवरी 2019 का आपने अगर जीएसटी के अंदर टीडीएस काटा है, इनकम टैक्स टीडीएस का तो हो गया 7 तारीख का, अगर जीएसटी में कुछ टीडीएस कटा है आपका या आपने काटा है, तो वो आपको जमा करना होता है 10 तारीख, मतलब 10 मार्च तक आपको GSTR 7 भी फाइल करना है, और जितना भी आपने टीडीएस काटा है उसकी सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर, जो कि मार्च 2019 में पूरे करने होते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग इस ड्यू डेट को देख करके अपनी ड्यू डेट कैलेंडर अकॉर्डिंगली कर पाएं और अपने काम को अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि कोई ड्यू डेट मैंने मिस कर दी है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।